थोड़े गंदे हालात हैं बॉस। गर्मी से बुरा हाल हो गया यार। मोटरसाइकिल देखो स्विच ऑन है, किके मार 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 के सत्यानाश हो गया भाई, स्टार्ट कोई नहीं हो रहा। हाय हाय, ओ यार इस तू मैं बेचन लगा, कोई बंदा लेने वाला है तो मन दसो यार इसको मैं बेचने लगा हूँ, बस कोई भी बंदा है तो ख़रीदना चाहता है तो मुझे बताए, मैं उसको ये मोटरसाइकिल गिफ्ट कर दूँगा। बड़े गंदे हालात हैं बॉस। ओह थका दिए यार कसम से यार, ये पसीना देख सकते हो, इसको स्टार्ट कर कर थक गया हूँ भाई, स्टार्ट कोई नहीं हो रहा, ये सत्यानाश कर दिया मेरी इसने, पिछले 20 मिनट से मैं लगा हुआ हूँ, स्टार्ट कोई नहीं हो रहा। फिर से कोशिश करते हैं, अल्लाह करे स्टार्ट हो जाए। नहीं भाई पैसे किसी से लेने यार, ये बड़ा गंदा सिस्टम हो गया। नहीं हो रहा भाई, स्टार्ट नहीं हो रहा। एक मरतबा फिर कोशिश करता हूँ, मेरा तो मुंह भी खुश्क हो गया यकीन करो। हाय 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 हाय, भाई स्टार्ट होने का नाम नहीं ले रहा यार। भाई दुआ करो स्टार्ट हो जाए, मैं खड़ा भी ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पे कोई मैकेनिक भी नहीं है। बिस्मिल्लाह दी बरकत, यार अच्छा भला था, पता क्या हुआ, एक मरतबा पहले भी पिछले ब्लॉग में मैंने कुछ ब्लॉग पहले आपको बताया था कि इसका ना सलफ फ्री हो गया था, आज फिर से वही चक्कर हो गया, और अब सलफ तो फ्री हो गए, सलफ फ्री होने के साथ साथ ना बैटरी डाउन हो गई है। भाई इतनी बड़ी गाड़ी को दिखा लगा लगा के ना मेरी तो सत्यानाश हुई पड़ी है, और मुझसे जुम्मा निकल जाएगा यार, अल्लाह अकबर, बहुत मुश्किल हो रही है बॉस टिक्का लगा 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 के सत्यानाश हुई पड़ी है। ओह माय गॉड, हाय हाय हाय, प्यास लगी हुई है बहुत सख्त वाली यार, इसको ले कर जाता हूँ आगे से कहीं से पानी की बोतल लेता हूँ और पीता हूँ। भाई इसने तो यकीन करो सत्यानाश कर दिया।
तीसरे में दम, चौथे में गम वाला सीन भी नहीं हो रहा ना। सही एक्सरसाइज हो रही है, यकीन करो। मजाक है जो स्टार्ट हो जाए, सवाल ही नहीं पैदा होता। नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा, बहुत कोशिश करने के बाद भी नहीं हो रहा। यहाँ से पानी की बोतल पकड़ते हैं, अल्लाह करे अब कोई दुकान खुली हो आगे, कोई ना कोई बड़ा रोल हो जाएगा यार। मस्जिद ये पास है, तो तुम जुमा किस वक्त होता है? कपड़े तो पाक है लेकिन जुमा करने के लिए इसको अस्सलाम वालेकुम। पानी की बॉटल दीजिएगा एक छोटी। चेक करके पता करी ना, तो जो भी मामला हो मुझे बताना, एक दफा कर दें उसके बाद फिर राम सुकून से उसी में आ जाया करेगी और चक्कर मौके देगा। थोड़ी आए लेकिन अपने पास ही आए, जान छोड़ दे। कितने हो गए भैया? 50। ना किसी का तरला होगा, ना किसी की आंख में, ना किसी की नजर होगी, ना कुछ होगा। खुले नहीं है मेरे पास ना करें, खुले मेरे पास कम है। 30 है, 30 और 5 35 9 40 दे दें अगर खुले। नहीं होगा, देखे ना इसमें से काट ले। सांस कितनी फूल रही है यार मेरी, कसम से। जो भी सीन है मुझे बताई लाजमी। सत्यानाश कर दिया इसने मेरा, मैं तो कहीं कभी नहीं रहा भाई। ओह बहुत बहुत मुश्किल हो रही है। बॉस सुन रहे हो? भाई भी वो सामने खड़े हो गए, बातें कर रहे हैं। पता नहीं इनका भी कोई कमेटी का चक्कर लगता है। कुछ भी वाले भाई भी खड़े हैं इस वक्त, तो सब कुछ खाने का दिल कर रहा है यकीन करो। ओ हो बहुत थकाया यार, तूने मुझे बहुत थकाया। तेरे को नहीं छोड़ूंगा मैं। अब तो भाई टांगे भी टकरा रही हैं आपस में, क्या कहते हो जाएगा? बहुत मुश्किल वाली बात है। नहीं यार बहुत मुश्किल हो गई है। अजीत भाई वो स्टार्ट नहीं हो रहा, इसको सलब फ्री हुआ है। नहीं ठंडे मार थक गया हूँ, होगा जरा सत्यानाश कर दिया इसने। तो वही दिल आए हैं अब। एक सेकेंड मुझे एक और ये दो, ठीक है। उधर लड़ाई है नीचे वाली साइड, उधर स्टार्ट हो जाएगा। सिर्फ सल्फ्री हुआ है ना उसकी वजह से।
इधर से इसने सही ड्रामा लगाया है यार। गर्मी भी है। ओह हो ऐसा वैसा कर दिया कि पूछा ना। चल क्या ड्रामा है। ना जी नाराज है बिल्कुल। स्टार्ट हो क्या ना बंद हो जाता है। रन नहीं शो कर इधर छांव में लगाओ ना धूप है इधर लगा। असल में बैटरी डेड हो गई है ना। बैटरी नहीं इंजन का अपना करंट तो शो करना चाहिए ना। बैटरी के साथ तो इसका कोई ताल्लुक नहीं। मारो क्विक क्विक मारो। मेरी केक कसाईयां वर्गी केक तार आ रही है। तार तो ठीक है लगाओ जरा स्टैंड पे लगाओ। यार ये तो यार अब प्लान ये बना है कि इसको बंद करते हैं यहाँ पे और जुमा पढ़ते हैं। जुमा पढ़ने के बाद इंशाल्लाह उम्मीद है कि स्टार्ट हो जाएगा। तो जुमा पढ़ने तक इसको मस्जिद के बाहर खड़ा करता हूँ अब मैं और फिर कोशिश करते हैं कि स्टार्ट हो जाए। है तो मुश्किल वाली बात है लेकिन ठीक ठीक है। बहुत शुक्रिया दिन भाई साथ ही इतने सही खपा किया गाँव का ना। ये कुल्फे कुल्फी खोए वाली के पास खड़ा करते हैं इसको यहाँ पर लगाते हैं। और जमा पड़ते हैं यार। जुमा तो माशाल्लाह पढ़ लिया है। अभी वहाँ से मैं पैदल लेके आया हूँ इसको एक चढ़ाई है यहाँ पे एक इसको झटका लगाते हैं जो अगर स्टार्ट हो गया तो ठीक है वरना फिर अल्लाह की अमान है यार। अब क्या कर सकते हैं कसम से थक हार गया हूँ यार। इतना बैग तो भारी बहुत है दूसरा धिक्का लगा 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 तो सत्यानाश हो गया। तो अब यहाँ से मैं छोड़ता हूँ इसको देखता हूँ स्टार्ट होता है या नहीं होता। मोटरसाइकिल में कोई जन्नत वह रहे हाँ मोकल है मर्जी के। बहुत शुक्रिया दिल भाई थैंक यू यार। आखिर जाके कोई ना करते हुए यकीन करो कोई घंटे सवा घंटे बाद जाके स्टार्ट हुए यार मोटरसाइकिल। दिखे मार ये देखो अभी मैकेनिक की दुकानें खड़े हैं और दुकानें बंद हैं। कितने मार 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 के आखिर में इसने एक मरतबा टू किया। मैंने कहा लड़के को कहा मैं कहा स्टार्ट हो जाएगा कहता नहीं होगा कोई बात हुई एक ही झंडा मारा मोटरसाइकिल स्टार्ट। यार ये बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम है इसका कसम को आज बड़ा रोला है इसने आज मुझे लेकिन बहुत रोला है आज इसने मुझे। चलो शुक्र है अल्लाह का अलहमदिल्ला स्टार्ट हो गए यही सबसे बड़ी बात है। बाकी चीज़ें चलो बाद में डिस्कस करते हैं। आस्ता आस्ता अपने कदम चुके मैंने पेशेंट की तरफ जाना था और बहुत ज़्यादा लेट हो गया। जानते हैं कि फिजियोथेरेपी कितनी मुश्किल है यकीन करो कमर टूट जाती है यार अपनी बस हो जाती है। अभी भी पेशेंट बाकी हैं और मुझ में ज़रा हिम्मत नहीं हो रही
कि मैं जाऊं और पेशेंट ट्रीट करूं, पर मुझे कॉल आ गई है सुप्रीम को। हाँ जी चीमा जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? मैं ये आपके घर के बाहर, आप लोग सोचते होंगे कि यार क्या बंदा है, सारा दिन ये जो है तो कभी किधर कभी किधर। अभी मैं F11 और G11 जंक्शन एक पार्क है वहाँ पे बैठा हुआ हूँ, ठीक है। और आप बिलीव नहीं करोगे कि इस वक्त हालत इतनी ज़्यादा टाइट हुई है मेरी कि मुझसे बात तक नहीं हो रही, बात भी नहीं हो रही और मैं सही तरीके से बोल भी नहीं पा रहा। मेरे मोबाइल का कैमरा भी बड़ा गंदा हुआ हुआ और इतनी हिम्मत नहीं है कि अंगूठा करके ऐसे इसको साफ़ कर सकूं। मेरे बड़ी टफ हो गया जॉब यार, मतलब अभी भी पेशेंट्स रहते हैं और अभी मेरा दिल कर रहा है कि यार कहीं मुझे छाँव मिले और कोई भी ना हो, बस उधर लेट जाऊं। अब आम रनिंग कर रही है, कुछ जॉगिंग कर रहे हैं, लोग भाग रहे हैं। खैर मैं जैसे ही पार्क में एंटर हुआ तो एक बच्ची बेचारी रो रही थी। अब मेरा ना, मेरी ऐसी इंटेंशंस ना कुछ ऐसा, छोटी सी बच्ची थी मेरे पास, वो उसने इतना ही कहा कि मेरा खून निकल रहा है। मैंने कहा यार चलो, अब मेरे पास, मुझे याद आया यार वॉलेट में मेरे पास सनी प्लास पड़े हुए हैं, तो मैंने उस बच्ची को, छोटी सी अच्छी खासी आंटी के साथ गए। आंटी कहती है यार आपकी बड़ी मेहरबानी। मैं कह इस तरह तो नहीं होता ना यार, देखो मतलब हर बंदे की इंटेंशन गलत नहीं होती और हर बंदा जो है वो इस तरह बुरा या आपके लोग के किसी को, वो ये समझ रही थी कि शायद मैं कोई दुकान से करते रहूँ लेकिन उन बेचारों को क्या पता कि मैं खुद लेने वाला हूँ लेकिन खैर है, आप क्या कह सकते हैं यार, ये तो ज़िंदगी के मामूल है। हाँ ये तो चलते हैं ना। तो उम्मीद करता हूँ यार आज की वीडियो को यहीं पर बस करते हैं, क्योंकि अभी तबीयत बहुत नासाज़ है, सच बताऊँ ना बोलने हो रहा है और मैं चलने हो रहा है। और मिलते हैं इंशाल्लाह कल की वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना है, मुझे दुआओं में याद रखना है और लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना है। अल्लाह हाफिज़।